I ask other dignitaries present in the meeting. Jobnayao, Nungtangman Boynibu Motot Are, On China Jung, Boro Rao Tunlai Are, Boro Tunlai Apada, Tangane Tagan, Beko Mijin Kalamane Angi, Bebora Bibung Tuku is on the Pujabai, Ara Jungha, Boy Jabar Gunjisam Batra, First Lady of India, Madam Boy Sopidum. I also welcome the First Citizen. A lady citizen of India, madam. Thank you very much. Gajantang, Sabaikor. Sabaikor Thabai, Manavgiret Boro Thunlai Apatni Apatgiri Bithang Nisim. Daye Dongo Boro Purni Somaina Romaina Bardis Klamusan Identity Phungnai. Now we are going to present a beautiful Bodo traditional dance, which is called Bardoi Sikla. The Bardoi Sikla dance is one of the most popular dance among the Bodos. Daye bithangmanku musafin takai ang khawlaine jabe. Hello, Sabaikor Thabai. Bardoi Sikla Musana Dinti Pungnain Thakai. Thank you for performing the beautiful Boro traditional dance. Now I request Sri Pramod Boroji, Chief Executive Member, Bodoland Territorial Region, to address. Khulumbai. बोधो साहित्य सभा की 61वें वर्ष की तामुलपुर बीटीआर असम के ये विशेष सत्र में महामहिम भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को मैं स्वागत करता हूँ. भारत की आदरणीय प्रथम महिला नागरिक मैडम कविता कोविंद जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज के इस मंच पे असम के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कनराड संगमा जी, आठम असम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विश्वजीत दैमारी जी, असम भूटान मेघालय बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए अतिथिगण, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण और सम्मानीय व्यक्तिगण, असम और बोडोलैंड के वरिष्ठ नेतागण, बोडो साहित्य सभा के आदरणीय अध्यक्ष तरेन बोरोजी, 61 बोडो साहित्य सभा के ये सत्र में आए हुए सभी सदस्य एवं प्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूं. भारत सरकार, असम सरकार और बीटीआर सरकार के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, बोडो भूमि और असम के आए हुए भाइयों बहनों, महामहिम जी, मैं आपके सामने बोडो समाज के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे बोडो समाज, संस्कृति और परंपराओं के बारे में पहले से ही अवगत है. मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बोडो जाति की उम्मीदें और आकांक्षाएं के बारे में भी आपको जानकारी है. महामहिम जी, बोडो साहित्य सभा 1962 में अपने जन्म से ही बोडो समाज के हर एक क्षेत्र में नेतृत्व देते आए हैं. इसके कारण आज समग्र बोडो जाति बोडो साहित्य सभा को अभिभावक के दर्जा देते हैं. भारत की आज़ादी के 75 साल बाद देश एक नया ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की सभी जाति जनजाति को एक साथ आगे ले जाने की एक सोच है. और यही बातें भारत के हर क्षेत्र के सभी समुदायों को अपने पहचान, अपने भाषा और संस्कृति को सुरक्षित मानकर जीने की नई ऊर्जा मिली है. महामहिम जी, बोडोलैंड को काफ़ी वर्षों तक
भारत में एक हिंसा की क्षेत्र माना जाता था। असम के वर्तमान के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में बोडोलैंड में शांति स्थापित करने का एक नया प्रयास किया गया था और इन प्रयासों को सफल पूर्वक रूप देना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से मुमकिन हुआ। आज बोडोलैंड में 4 दशक के बाद पूर्ण शांति आ गया है। बोडोलैंड में बोडो समाज के साथ सभी समुदायों को, सभी लोगों को सद्भावना, प्रगति और विकास के नए मार्ग पर चलने का सुनहरा अवसर मिला है। मेरा मानना है कि इस सफर में अच्छे शुरुआत ने एक नए बोडोलैंड की संभावना को बहुत मजबूत कर दिया है। महामहिम जी, आप जानते हैं कि पिछले 40 सालों में बोडो समुदाय ने बुरे हालत और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया है। मैं ये पवित्र मन से और आपके गरिमामय उपस्थिति में बोडो भाषा संस्कृति की विस्तार और प्रगति के लिए जिन्होंने भी अपने जान और बहुमूल्य समय दिया है उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। बोडो भाषा को संविधान की 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करने के साथ बोडो समुदाय को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकार प्रदान करके अपकृत करने के लिए हम सदा भारत और असम सरकार से आभारी रहेंगे। आज बोडो भाषा असम के एसोसिएट लैंग्वेज बन गया है और इसे स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा जा रहे हैं। आज बोडो भाषा के पत्रिकाएं और पुस्तकें भारी मात्रा में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रकाशित की जा रही है। बोडो लेखकों को राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी और साहित्य सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वर्षों से बोडो भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महामहिम जी, आपने आज ये कार्यक्रम में आके बोडो साहित्य सभा के साथ साथ बोडो जाति और क्षेत्रों में रहने वाले सबको अपना जो प्यार और सम्मान दिया इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार सुखी रहे और भगवान आपको देश के हित में और काम करने के लिए दुगुना क्षमता दे। महामहिम जी, विद योर ड्यू परमिशन आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय कोटिंग ए ब्यूटीफुल पोइम कंपोज बाय योरसेल्फ, ए पोइम व्हिच सो ट्रूली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ टुडेज ओकेजन। आई कोट, नेचर प्रमोट्स म्यूचुअलिज्म, द फ्लावर नरिश द बी, द रिवर वाटर क्वेंस द थर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, एंड ट्री प्रोवाइड्स a welcome home to so many birds and animals. There is a rhythm to this togetherness. Dhanyabad. Jai Hind. Thank you. Now I request Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad Changmaji, to extend his speech.